Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing great. So, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप साड़ी में कैसे स्लिम ट्रिम एंड अट्रैक्टिव दिख सकते हो. सो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होता है, लाइक जो लोग थोड़े फैटी होते हैं उन लोगों को कंसर्न होता है कि मैं कैसे स्लिम ट्रिम दिख सकती हूँ साड़ी में, या मेरी बॉडी जो है परफेक्ट दिख सकती है साड़ी में. सो ये एक ऐसा ख्याल है जो हर एक लड़की, हर एक इंडियन स्पेशली लड़की को साड़ी पहनते टाइम दिमाग में आता है कि मुझे परफेक्ट दिखना है साड़ी पहनने के बाद. तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे. तो इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं. बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है साड़ी पहनते हुए, वो सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी. सो अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हम दो चार पॉइंट्स जो है वो कवर करेंगे. सो हम यहाँ पे ना लाइक नॉर्मल साड़ी से हैवी साड़ी, सारी साड़ियों की बात करने वाले कि आप उसे कैसे पेयर अप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सो दैट जो आपका जो साड़ी है ना, आपका लुक है वो अट्रैक्टिव एंड परफेक्ट दिखे. सो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की. ये फर्स्ट पॉइंट में मैं पहले तो शेपवेयर का नाम लेना चाहती हूँ. अगर आपने सुना होगा शेपवेयर, लाइक नॉर्मल जो हम वन पीस वगैरह पहनते हैं उसमें हम शेपवेयर पहनते हैं, राइट. सो जो लोग थिन होते हैं वो नहीं पहनते हैं, जो लोग थोड़ी ना प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी लोग उसे पहनना प्रिफर करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टमी का साइज़ जो है आड़ा टेढ़ा हो जाता है. मैं यहाँ पे उस शेपवेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो हम लोग साड़ी के अंदर शेपवेयर पहनते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ. ये लाइक यू नो बहुत अच्छी चीज़ इनोवेट की गई है. ये हाल फिलहाल 4-5 साल से चल रही है, यानी बहुत ही बेस्ट चीज़ है. अगर आप लाइक थोड़े से फैटी हो एंड आपको लगता है कि लाइक साड़ीज़ जो है पहनने के बाद और भी लाइक मैं फैटी दिखती हूँ, तो आप ना इस चीज़ को अपने वार्डरोब में ऐड कर लीजिए. ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए. एंड अगर आप स्लिम ट्रिम भी हो तो भी अगर आप इसे ऐड करते हो ना तो साड़ी का लुक बहुत परफेक्ट आता है. जो प्लीट्स वगैरह होती है वो बहुत परफेक्ट बैठती है, क्योंकि नॉर्मल जो पेटीकोट होता है या पर्कर होता है, लाइक बहुत सारे लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम है इस चीज़ को. जो पेटीकोट या पर्कर होता है उसमें जब हम पहनते हैं नॉर्मल जो 100 या 150 रुपीज़ का मिल जाता है कॉटन का, वो जब हम पहनते हैं तो उसमें ना चून आ जाता है, क्योंकि दैट इज लाइक अ स्कर्ट, राइट. तो स्कर्ट के फॉर्म में होता है, फुल फैला हुआ होता है. एंड जो शेपवेयर होता है ना, दैट इज वेरी लाइक स्टिक टू योर बॉडी. ये बहुत अच्छे से आपके बॉडी को स्टिक होके रहता है, एंड ये बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल होता है. जैसे चाहो आप वैसे लाइक आपको एक टाइम पर जब आप स्टार्टिंग में से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लाइक मैं इसमें चलूंगी कैसे, बैठूंगी कैसे, बट नहीं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है. तो आप इसे डेफिनेटली अपने वार्डरोब में ऐड करो. हाँ, ये थोड़ा सा यू नो एक्सपेंसिव पड़ता है, लाइक आपको ये 500 के ऊपर ही पड़ेगा. आप सोच रहे होगे कि लाइक अभी इतनी सारी साड़ियाँ हैं एंड इंडियंस के पास तो ऑफकोर्स साड़ियाँ होना बहुत ही मस्ट है सबके वार्डरोब में. लाइक जो मैरिड वुमेन है सबके वार्डरोब में साड़ी होंगी ही होंगी. आप सोच रहे होगे कि 500-600 मुझे हर एक साड़ी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि यू नो हर एक कलर का एक एक खरीद के रख सकते हो. सो दैट वो आपको हर एक लाइक साड़ियाँ तो हर एक कलर की बहुत सारी होती है हमारे पास, एक कलर की एक साड़ी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी हो सकती हैं. तो आप उसके साथ पेयर अप कर सकते हो. तो आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा काम आएगा. या फिर आप यू नो आपके पास जो कलर ज़्यादा है आप उन कलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट आपको वो ऑफकोर्स काम आने वाला है, वो जल्दी ख़राब तो होता नहीं है. आज के टाइम पे ज़्यादा हम साड़ीज पहनते नहीं, नॉर्मल फंक्शन होता है तो या कुछ स्पेशल दिन है तो ही हम साड़ी पहनते हैं. तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, सो जब आप पहनना चाहते हो तो आप पहन सकते हो. यहाँ पे बात हो गई है पेटीकोट की, यानी कि साड़ी का जो शेपवेयर होता है, आप सर्च कर सकते हो साड़ी शेपवेयर करके, तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन दिखा देंगे एंड बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में. अब बात करते हैं हम नंबर 2 की, यानी कि ब्लाउज. तो साड़ी के बाद ब्लाउज होता है, या ब्लाउज के बाद पर्कर के बाद ब्लाउज होता है, या ब्लाउज के बाद पर्कर होता है, जैसा भी आप रेफर करना चाहते हो. ब्लाउज की बात करें ना, तो जब भी आप साड़ी परचेस करते हो अपने पसंद का या आपको कहीं से मिलता है, तो आप सबसे पहले यही सोचते हो कि लाइक ब्लाउज कैसा सिलाऊं मैं, बहुत यूनिक सा होना चाहिए, पैटर्न बहुत यूनिक सा होना चाहिए, ऐसा सोचते हो. तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, तो जब भी आप ब्लाउज सिलाते हो ना, तो आप ब्लाउज के टाइम पे साइज़
अब बहुत प्रॉपर वाला ही सिलो, लाइक कभी कभी यहाँ से फुगा हुआ होता है या कमर से लूज़ होता है, तो क्या होता है कि लाइक यहाँ से फुगा हुआ होता है तो प्रॉपर नहीं दिखता, लाइक जो लुक आना चाहिए ब्लाउज़ पहनने के बाद वो नहीं दिखता, प्लस पीछे से भी ना हमारा जो शोल्डर्स होता है वो गिरने लगता है, देन यहाँ से लूज़ होता है तो ब्लाउज़ जो है वेट के वजह से आगे झुक जाता है, जिसकी वजह से पीछे से वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। सो ये सारी चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। परफेक्ट फिटिंग वाला आपको ब्लाउज सिलाना है, ना ही बहुत ढीला ना ही एकदम से टाइट, एकदम परफेक्ट आपको बैठे वैसा। एंड देन उसके बाद आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना लगेगा अगर आपके पास हल्की साड़ी है, सो आप उसके साथ ना यू नो भारी भरकम डिज़ाइन वाला ब्लाउज सिला सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्लेन के साथ भारी भरकम चीज़ जाती है, लाइक डिज़ाइनर अभी जैसे कि आपके साथ मैं पिक शेयर करूँगी, यहाँ पे अभी मेरे पास सादी जो साड़ी है एक नॉर्मल पतली सी बॉर्डर वाली गोल्डन सी, एंड ये मैंने दिवाली में पहना था, सो इसमें मैंने ना बलून वाला जो हैंड होता है ना फ्रिल वाला, नॉट फ्रिल एक्चुअली बलून वाला जो हैंड होता है ना मैंने वो सिलाया था। सो ये सारे पैटर्न्स जो है ना बहुत पुराने हैं, लाइक इट वॉज समर अराउंड 90s के टाइम पे बहुत चलते थे जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मियाँ पहनती थी हमारी, सो बहुत लाइक पुराना स्टाइल है, आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यू नो रिटर्न आया है एंड ट्रेंड में है। सो प्लाजोज पैंट्स वगैरह भी पहले काफ़ी यू नो फेमस थे बेल बॉटम वाले, वैसे ही ये सारे भी लाइक रिटर्न जैसे आ गए वैसे ये सारी चीज़ें भी रिटर्न आई हैं। सो मैं कहना चाहती हूँ कि लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लेन साड़ी पहन रहे हो ना तो आप उसके साथ ब्लाउज जो है वो हैवी सिला सकते हो, लाइक कुछ अलग पैटर्न का सिला सकते हो, पफ वाला सिला सकते हो, स्लीवलेस भी सिला सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लाइक तो प्लेन साड़ीज होती है ना उसके साथ डिज़ाइनर ब्लाउज ज़्यादा अच्छा लगते हैं, क्योंकि लाइक साड़ी तो प्लेन है राइट, साड़ी में कोई भी लुक नहीं है, बट ब्लाउज उसमें हैवी ऐड कर देते हो ना आप तो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है, पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अब इसका उल्टा होता है हैवी साड़ियों के साथ, सो हैवी साड़ियाँ आज के टाइम पे यू नो बहुत लाइक कम पहने जाते हैं, शादियों वगैरह में ही पहने जाते हैं, नहीं तो लोग पार्टी वेयर जो साड़ी होती है वही प्रिफर करते हैं। सो हैवी जो साड़ियाँ हैं ना उसमें ऑलरेडी आपको बहुत हैवी वाला एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर हैवी सा मिलेगा, तो आई प्रीफर उसके साथ ना बहुत यू नो सिंपल सा ब्लाउज सिलाओ, जैसा उसमें ब्लाउज का पैटर्न दिया हुआ है ना आप वैसा ही सिलाओ, क्योंकि अगर आप लाइक साड़ी भी भरी हुई राइट एंड ब्लाउज भी भरा हुआ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लाइक समझेगा ही नहीं कि साड़ी का स्टार्ट क्या है एंड एंड क्या है। सो मेक श्योर अगर आप सादी वाली साड़ी पहन रहे हो ना तो उसके साथ कुछ यू नो यूनिक पर्व डिज़ाइन या फ्रिल वाला डिज़ाइन ऐसा कुछ पहन लो, या अगर आप उन्हें कुछ हल्की भारी साड़ियाँ पहन रहे हो तो उसके साथ जैसा है सादा सुदा वैसा ही पहनो, सो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। सो बात करते हैं सिर्फ बॉर्डर वाले ब्लाउज जो साड़ियाँ होती हैवी वाली बट बॉर्डर वाली, तो नॉर्मली ना अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती है ना उसके साथ आपको हमेशा लाइक एम्ब्रॉयडरी 90% तो एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज ही मिलती है फुल भरी हुई, उसमें पहले से पैटर्न दिया हुआ था, तो आप उसी के हिसाब से वो ब्लाउज सिलाओ, उसमें कुछ भी यू नो आड़ा टेढ़ा ऐड करने की कोशिश मत करो, लाइक थोड़ा बहुत एक्सेस आप ऐड कर सकते हो बट ज़्यादा हैवी ऐड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा लुक देते हैं, क्योंकि वो साड़ी का डिज़ाइन ही वैसा किया हुआ है कि लाइक प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी है तो उसके साथ हैवी एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। मैं साथ ही साथ में आपको पिक्स भी शेयर कर रही हूँ मेरे पास जो साड़ीज़ है वो रेकमेंड करने के लिए, सो आप देख सकते हो उस हिसाब से आप लाइक अपना जो अटायर है वो क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आप लाइक बहुत ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या पहना हुआ है, यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, नहीं तो अब जैसा है वैसा अगर आप सोच के थोड़ा सा लाइक दिमाग लगा के अगर आप ब्लाउज सिलाओगे तो आपका जो अटायर होने वाला है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ के साथ लाइक एक कम होती है तो एक ज़्यादा होती है तो ही अच्छा लगता है, दोनों भी ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो ये हो गई साड़ी लाइक हैवी मीडियम एंड लो वाली, अब बात करते हैं पार्टी वेयर की। सो नाउडेज पार्टी वेयर जो साड़ी है बहुत ज़्यादा लाइक चल रही हैं, रेडीमेड साड़ीज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको रेडीमेड सब कुछ मिलता है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग लाइक जो पार्टी वेयर साड़ियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा वर्क नहीं होता है, दे आर लाइक सिल्क का मटेरियल और जो स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है ना उसका होता है राइट, तो आप उसमें हैवी
ब्लाउज ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेन ही होता है ज़्यादा। अगर आप भरी हुई साड़ी में जाओगे तो सिर्फ आपको ट्रेडिशनल में ही मिलेगा, बट अगर आप फैंसी एंड पार्टी वेयर में जाते हो तो बहुत सिंपल होता है, कहीं कहीं आपको खाली थोड़ा बहुत पैटर्न मिलता है, तो आप उस हिसाब से उसको स्टिच करा सकते हो। बट नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा ऐसा चांसेस है कि आपको स्टिच किया हुआ ही ब्लाउज मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं हम ज्वेलरी के बारे में, तो आप किस तरह की ज्वेलरी किस साड़ी के साथ पहनो। तो ऑफकोर्स ये जैसा कि ब्लाउज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द ज्वेलरी ऑल्सो। लाइक इफ यू आर वेयरिंग समथिंग न्यूट्रल काइंड ऑफ साड़ी का कलर और साड़ी, लाइक उसमें ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है बट आपको थोड़ा सा यू नो उसको हैवी दिखाना है, तो आप यू नो बहुत अच्छा सा एक नेक पीस पहन सकते हो, लाइक चोकर टाइप वाला भी पहन सकते हो, लंबा वाला भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। बात करें ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज की, तो आई विल टेल यू कि अगर आप यू नो थोड़ा लाइक कॉटन टाइप के जो लाइक प्रिंट वाले या फिर कॉटन जैसे कुछ साड़ियाँ जो आती हैं ना, अगर आप वैसे में पेयर करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप भरे हुए या फिर ऐसे नॉर्मल कोई यू नो कुछ ऐसा त्यौहार टाइप का कोई साड़ी है आप उसमें पेयर कर रहे हो ना, तो वो उतना जचेगा नहीं। डिपेंड करता है एक्चुअली आपने स्टाइल कैसे किया, बट वो उतना जचेगा नहीं। बट अगर आपको ऑक्सीडाइज पहनना है तो ट्राई टू वेयर समथिंग लाइक कॉटन या फिर यू नो प्लेन साड़ी जिसमें कोई भी डिज़ाइन ना हो, वैसा कुछ अगर आप उसके साथ पेयर अप करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आप कुछ ऐसा हैवी पहन रहे हो, हैवी साड़ी पहन रहे हो, तो आई टेल यू टू वेयर लाइक बहुत पतला सा कुछ ऐसा लंबा सा पहन, चोकर टाइप का भी आप पहन सकते हो, बट बहुत हैवी वाला मत पहनो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपकी खुद की शादी है। सो ऑफकोर्स किसी को ऐसा नहीं दिखना, अगर हाँ करवा चौथ वगैरह है तो ऑफकोर्स आप जितना भरा हो सके उतना भरा पहनो, वो तो अच्छा ही लगेगा। बट नॉर्मल डेज में हम सोचते हैं ना यार बहुत भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मल सा दिखना चाहिए। तो आई सजेस्ट अगर आप बहुत भरी हुई साड़ी पहन रहे हो, बहुत लाइक उसमें वर्क है, ब्लाउज में भी वर्क है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आई सजेस्ट या तो आप नेक खाली रख दो, ईयरिंग हैवी हैवी पहन लो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा क्योंकि ये फुल खाली रहेगा। ऑफकोर्स आपका जो ब्लाउज है वो भी हैवी है, साड़ी है वो भी हैवी है, तो आप ईयरिंग पहन लो एंड बाल को ना एक बन बना दो, चाहे साइड बन बना दो या फिर सेंटर का बन बना दो, ऊपर नीचे कैसा भी जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। एंड स्टाइल आपको रखना है स्लीक वाला, मेसी वाला कर सकते हो क्योंकि आपने नेकलेस नहीं पहना है, राइट? तो नेकलेस नहीं पहनने से ना इतना एरिया खाली हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो अटायर है ना बहुत उठ के दिखता है, क्योंकि ईयरिंग्स भी आपकी दिख रही है। अगर आपने ईयरिंग्स बड़े बड़े पहने हैं तो आप बन ही बनाओ, बन ही ज़्यादा चले। अगर आपने छोटे ईयरिंग्स पहने हैं एंड आपको बाल खुले रखने हैं तो ऑफकोर्स इट्स योर चॉइस, यू कैन डेफिनेटली ओपन योर हेयर्स एंड कीप इट लाइक दैट ओनली। सो ये थे बेसिक साड़ीज के बारे में, लाइक जितना नॉलेज मैं आप लोग साथ शेयर कर सकती थी मैंने की है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लाइक ये सारे जो चीज़ें हैं वो मैं ध्यान में रख के करती हूँ जब मैं लाइक साड़ी खरीदती हूँ या फिर ब्लाउज सिलाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अगर आप थोड़ा सा लाइक टाइम स्पेंड करके सोचोगे एंड सिलाओगे या खरीदोगे तो आपको ऑफकोर्स बेनिफिट मिलेगा या लोग आपकी तारीफ करेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।